नौकरी ढूंढ पे लग गए, मेल मिली, फिर उसके चलने पर एक केबिन पे काम किया, पान की केबिन में 15 साल वहाँ काम किया। अच्छा। हाँ, फिर एक भाई ने दाल चावल का छिया लगाया, बोला मेरे पास आ जाए, मेरे पास प्लेटें धोई हर चीज़ की, प्लेटें उठाई उनकी। अपने क्या भाई को बोला, मैंने बोला मैं अपना लगा रहा हूँ, बोला भाई ने बोला सही है, दाल मेरे से पकवा ले, चावल मैं तो जरूर सिखा दूँगा। फिर मैं बिस्मिल्लाह करके निकला है यहाँ पे, अभी सही है, गुजारा सही है। तो थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, घर वाले अगर बोले ना कि हाँ तू कर लेगा, शुरू कर, मैं तेरे साथ हैं, फिर आदमी खड़ा हो जाता है। और घर वाला उल्टा बोले नहीं नहीं तुम ये नहीं दिए क्या शुरू कर रहे हो, ये दाल चावल पकोड़े बेच रहे हो, तो फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है। गुलशन इकबाल में हम लोग हैं और इस वक्त इरादा है एक ठेले पे खाना बेचने वाले से बातचीत करने का। देखिए मैं ये दाल चावल के जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ, भाई से मैंने दाल चावल भी ख़रीदा और मैंने इनसे मालूमात भी ली। ये भाई साहब आराम से जमशेद रोड यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरे ऑफिस से भी आ गए, वहाँ से ये ठेला चला के ये 20 किलो चावल ले आते और दाल है ना 30 किलो, तो वजन तो है इसका। इन्होंने मुझे तफसील से बताया कि इनके एक भाई भी ये काम करते हैं और ये खुश हैं इस पर, और कहते हैं कराची अरसे से पुरमन है, हंगामे कर्फ्यू नहीं होते, बस हमारा लंच बिक जाता है, शाम को हम 5-6 बजे अपने मोहल्ले में दोस्तों में होते हैं। डिशेज क्यों नहीं बुलाते सालन वाला? सर ये हमारी फेवरेट है, आप इसी के मास्टर हैं? जी सर। दाल और चावल है? दाल और चावल। तो ये सारी शाम तक खत्म हो जाएगी? जी सर। आमतौर पे ये मेरे ख्याल है हमारे मजदूर भाई वगैरह करीब में उनको सस्ता पड़ता है खाना, ऐसी बात है ना? 30-40 खाना हो जाता है, पेट भर के खा ले। अगर ये नहीं हो तो वो बेचते हैं। हाँ, उसके पास बट होती है, पाए होते हैं, ये भी सस्ती देते हैं। तो आप खुद इतना सस्ता देते हैं 30-40 में, तो बचत तो कम होती होगी? सही है, बोला शुक्र गुजारा हो जाता है, बस हो जाता है। दूर से जमशेद 3 नंबर से आते हैं। हाँ, कब कब बनाते हैं, कब पहुँचते हैं? लेकिन 5 बजे उठते हैं, बनाते हैं, 9:30 यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, 3:30 बजे फारिग। ये ठेला लेके जमशेद रोड से चलाते हुए आसान काम नहीं है इतनी गर्मी में, क्या करें, मजबूरी। हाँ, नहीं नहीं अच्छी बात है, मजबूरी क्या, फखर होना चाहिए आपको। तो ये वाकई आप चला के लाते हैं? हाँ, हाथ से? हाँ, जमशेद रोड से? हाँ। और अकेले? दो बंदे आप दोनों? हाँ। अच्छा, और ये बनाता कौन है? भाई है बड़ा, वो बनाता है, बेगम होती उनकी। अच्छा। हाँ। चावल दिखाइए, ये तो चावल मुश्किल नहीं है, गीला हो जाए, खराब हो जाए? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, आप ही बनाते हो? और इसके साथ क्या देते हैं आप चावल के साथ? अचार होता है, रायता होता है, मिर्ची तली हुई होती है। भाई गाड़ी में तो बैठना आसान है आज के दिन, बट इट्स रियली हॉट, तीसरा दिन है हीट स्ट्रोक का, और बाहर थोड़ी देर के लिए भी खड़ा होना मुश्किल है। तो पूरा शहर घूम के मैंने देखा, जगह जगह लोग मजदूरी कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। हाँ। प्याज होती है। अच्छा, तो 30 वाला थोड़ा जो कम खाता होगा उसके लिए, और जिसकी पहुँच हो। अच्छा, तो सारा कब तक खत्म हो जाएगा? 3:30-4 बजे तक। हाँ, वेरी गुड। तो जैसे आप मजदूर हैं, मैं भी पहले मजदूर था, मैंने जापान में मजदूरी की है, और मैंने जब स्टूडेंट था फैक्ट्री में काम किया है। मजदूरी करने वाले को डट के नींद आती है, ठीक है ना? लेकिन आपकी रोज़ की रोज़ की आमदनी है, जिस दिन नहीं चले उस दिन क्या है? इतवार को खाली छुट्टी करते हैं। लेकिन जैसे पहले कराची में हंगामे होते थे, कर्फ्यू होता था, उससे डिस्टर्ब होता, अब तो ऐसा नहीं है ना? अभी नहीं है सर। है? अभी तो बहुत खुशी खुशहाली है माशाल्लाह। बिल्कुल, काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसे से। एक घर चला लेते आप इस पे, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप कोई पैगाम दीजिए उन लोगों के लिए जो बोलते हैं काम नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करें, जॉब नहीं है, इस तरह का मशवरा दें कि क्या करना चाहिए उनको? बस हमारी तरह ही निकले बाहर और क्या करें, किला लेके निकले या नसी, हज़ारों काम है, सब्जी मंडी से कुछ ला के बेचे है ना, तो कोई अगर काम करना चाहे कराची में कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं है, ज़बरदस्त। आप कब से कर रहे हैं तकरीबन? ये दाल चावल वाले से मिलके मुझे बड़ा हौसला मिला। एक तो उसकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी लगी और उसका इत्मीनान कि उसको कोई टेंशन नहीं है, और वो बिल्कुल खुश है कि वो अपने 8-10 किलो चावल बेच के इतना कमा लेता है कि बच्चों की फीसें जमा कर ले और घर का किराया वगैरह हो जाए। अब वो कराची के जो लड़के हैं ना, जो वो ख्वाब देखते हैं फिल्में और ड्रामे देख के, क्या बस स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकलेंगे और अच्छी जॉब मिल जाएगी, उनको इस तरफ ट्राई करना चाहिए। अब यही काम कोई पढ़ा लिखा लड़का करे, अगर पढ़ा लिखा लड़का होगा तो बैठने की जगह कुछ बेहतर बनाएगा आसपास, और कुछ गुफ्तगू करेगा, दोस्तियाँ करेगा, आसपास के ऑफिसेज में जाके उनको सैंपल देगा, उनसे कहेगा कि भाई आप ट्राई करें ना मेरा खाना, एक दो दिन फ्री में दे देगा, और वो रिस्क लेगा और वो अपने हिसाब किताब से आगे बढ़ेगा।
आप लोग आते ही नहीं है इस तरफ, और ये कम पढ़े लिखे लोग बहुत खूबी से ये काम कर रहे हैं। निकले भाई, क्या आप खाली बाहर ही जाना है दुबई और कोई जॉब ही चाहिए आपको? आप खुद सेठ साहब, अभी छोटा बच्चा है ये, आपके ख्याल में बड़ा हो के ये काम संभाल लेगा इंशाल्लाह। तुमने इसमें से क्या क्या काम सीखा है? ये काम सीखा है। तो तुम दाल चावल अगर तुम्हें बना के हम दे दें तो खुद से बेच दोगे जैसे उस्ताद करते हैं? कर लेगा ये? नहीं कर सकता, अभी छोटा है। नहीं, कर लेगा। कितने साल के? हाँ, कर लेते हो तो इसको मालूम है कि 30 वाली प्लेट कितनी बड़ी बनानी है। ये मसला है, एक ही वक्त में ज्यादा आ जाते हैं ना, इंसान को थोड़ी घबराहट हो जाती है। अच्छा, और कोई आपके पैसे वैसे मारता है कि उधार खा लिया, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा, ऐसा? वो तो लाजमी है, हर काम में होता है। अच्छा, तो इसको आप बढ़ा सकते हैं अगर ज्यादा आपका चले तो? आगे क्या ख्वाब है आपका? बस इसी मार्केट अपने हिसाब से ये चल रहा है, इसी ही काम में लम्बे इजाफत है। आपका कोई बड़ा अमीर बनने का शौक नहीं है, कुछ नहीं है, आप गुजारा होता है, बस आप खुश हैं। ये भी आपको पता है, दौलत है, कनाथ होना भी है ना, वरना आदमी तो और पैसा और पैसा, कोई लिमिट ही नहीं है। रात को नींद ही नहीं आती। नहीं आती। तो बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह। कितने बड़े हैं? तीन बेटियां, दो बेटे। पढ़ाते हैं आप? जी जी। स्कूल जाते हैं। घर बार आपका? जमकर 3 नंबर पे। अच्छा, किराए पे रहते हैं? अपना किराया, बच्चों की तालीम सब अफोर्ड कर लेते हैं? बहुत बहुत। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ कि इस शहर में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बात नहीं करते। आपकी वीडियो देख के बहुत से लोगों को हौसला होगा। वाइफ भी काम करती है, घरों में बर्तन धोती है, वो भी मेहनत ही है। हाँ। माशाल्लाह, तो वो भी सपोर्ट करती है? हाँ, वो तो लाजमी है ना, सुबह में पका के। हाँ। फिर वो अपने काम पे, हम अपने काम पे। वाह वाह वाह। बच्चे स्कूल गए? अब आपकी बीमारी हो गई, तबीयत खराब हुई होगी, तो उस दिन तो ढिया नहीं खुलेगा? नहीं, वो बच्चा आ जाता है। अच्छा, एक बंदा और साथ में भेज देता हूँ ना। हाँ। वो आ जाता, मैं भी पीछे आ जाता। वाह, यानी उस्ताद की तबीयत खराब है, तुम जाके पहुँच के ले आओगे, काम चलेगा? वाह वाह वाह। आप कराची के लड़कों को कोई मशवरा देना चाहते हैं, काम नहीं करते, माँ बाप के घर में पड़े रहते हैं? बस उनको शर्म आनी चाहिए। ओके। हाँ, क्या करना चाहिए उनको? वो बोलते हैं कि हम करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। गलत बात है। हाँ, इसमें जो मेहनत में जो आपको पता है जो है। हाँ, मेहनत में इज्जत। मेहनत है, शाम को रात को नींद भी ऐसी आ जाती है प्यार से, खुदा की कसम। किसी का कर्जा नहीं है, किसी की इमदाद नहीं है, भीख नहीं मांगनी पड़ रही, हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि किसी को कुछ दे सकते हैं। दे सकते हैं, ऐसे ही ना बेटा? सही। अच्छा, समझने के लिए पूछ रहा हूँ, अगर मैं इस काबिल हो जाऊँ कि 20 किलो चावल बेच दूँ दाल चावल में, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है? तकरीबन बच सकते हैं। तो 20 किलो बेचना कोई मुश्किल नहीं है अगर थोड़ी मेहनत करें। मेहनत करें तो अच्छी चीज बनाए तो कोई ले लेंगे लोग, और लोग शौकीन हैं। चला आप खाएंगे ना, ये वाले भी लोगों को पसंद आए। सही, दाल अच्छी होनी चाहिए है ना? दाल अच्छी होनी चाहिए, दाल अच्छी हो, चावल का कोई मसला नहीं है। हाँ। चावल हम लाते हैं, सेला है, पाशला बनाते हैं, इसको बिगाते हैं, हर चीज। तो आप बता रहे थे आपके भाई 40 किलो तक बेच देते हैं चावल है, तो उसके एक दिन के मेरे ख्याल 5,000 बच जाते हैं, खर्चा वर्चा निकाल के घर ले जाते हैं 3,500। ये तो टैक्सी और रक्षा चलाने से बेहतर है। बेहतर बेहतर। हाँ बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। जायका वो में आना चाहिए, बस जायका आ गया ना तो आपकी खुद ही खुद लाइन बन जाएगी। बस हमारे लड़कों का मसला ये है ना, वो शर्माते हैं कि वो बोलेंगे कि ये छोटा काम कर रहा है, शुरू से ही अमीर बनना चाहिए। यार, इस गर्मी और धूप में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और इसी गर्मी और धूप में बहुत से लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, और बाकायदा धूप में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। उन्होंने उसी को जॉब बना लिया, उन्होंने इसी को पेशा बना लिया। भीख मांगना, इमदाद लेना, कर्जे लेके गुजारा करना, और एक का कर्जा पकड़ के दूसरे को पकड़ा देना, ये भी कुछ जीना है? जीना तो ये है कि भाई मजदूरी करो, जमशेद रोड से ठेठा स्टार्ट करो, गुलशन इकबाल पहुँचो, और वहाँ के मजदूरों को 30 रुपए में, 40 रुपए में, 50 रुपए में खाना दे दो, है ना? और मैं हैरान हूँ यार, जो लोग दस्तरखान लगाते हैं, कोरमा वगैरह फ्री में देते हैं, वो बजाय इस तरह रोड पे दस्तरखान बिछा के कोरमा वगैरह खिलाने के, लोगों से कहेंगे यार मजदूरी करो और ख़रीद के खाओ, 30-40 रुपए में चावल तो मिल जाते हैं। देखिए, जिस इलाके से मैं गुजर रहा हूँ, ये छोटा सा एक इलाका है 13D का, और सब अपने अपने धंधे में लगे हैं। कोई गोश्त बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई पार्किंग ठीक करा रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, काम कर रहे हैं ना। इन्होंने तो छुट्टी नहीं की कि गर्मी ज़्यादा आज ऑफिस नहीं जाएंगे। इन्होंने तो नहीं कहा भाई से या अबू से कि फलां चीज़ के लिए पैसे दे दो। देखिए, ये कचरा चुन के जा रहा है, ये भी काम है ना भाई, रक्षा चलाना काम है, सब्जी बेचना काम है, और आधा दिन चढ़ गया, आधा बिजनेस हो गया लोगों का। और बहुत सारे नवाबजादे होंगे जो अभी तक अब्बा के होटल में उनकी सुबह भी नहीं हुई होगी, है ना? खेला ले ले बस। हाँ। और पतीले पतीले मिलते हैं बस।
कोई आपको परेशानी तंग नहीं करता? नहीं नहीं कोई। कितने बजे काम खत्म करके घर पे होते हैं आप? तकरीबन 5 बजे तक घर पे पहुंच जाते हैं। हाँ? हाँ। और अगले दिन की तैयारी कब शुरू करते हैं? ये तक रात से शुरू हो जाती है, प्याज ले ली, काट ली, ये हरी मिर्च ले ली। तो ये घर वाले इसमें हेल्प करते हैं ना? हाँ, घर वाले। घर वाले क्या क्या हेल्प करते हैं? दाल बनाते हैं घर वाले। दाल घर वाले बनाते हैं। अच्छा, और ये दाल कितनी होगी इस वक्त? ये होगी 3 किलो। अच्छा, और चावल भी? चावल है अभी मेरे पास 8 किलो। अच्छा, तो घर वालों की सपोर्ट आपको बनाने में? हाँ। मेहनत आप करते हैं। हाँ। लेकिन आपको लगता है काम चलेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी? नहीं, आपने नहीं, शामी कबाब भी रख के दिखाई। अच्छा, ये अलग से लेते हैं चावल की? हाँ। दाल के साथ आप उनको कितने 10 रुपए चार्ज करते होंगे? 10-20 रुपए? नहीं, 20 सिर्फ हमें मिलता है, 18 रुपए का हम 20 पे चलाते हैं। कोई और बीफ है? कोई आपको सप्लाई करता है? हाँ, कोई है। देखिए, एक छोटा सा मुकम्मल दाल चावल रेस्टोरेंट है, और अगर लोग मोबाइल फ़ोन ना छीने, डकैती ना करें और काम करना चाहें तो मिसालें हैं, है ना? और कोई आपका किराया नहीं है, कुछ नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप शाम को फारिग? कितने बजे फारिग हो जाएंगे? 5 बजे तक चाहिए। ठीक है, शुक्रिया भाई, मेहरबानी। शुक्रिया, ठीक है। मसला बस यही है ना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, एक चैनल बना लो यूट्यूब पे, लोग क्या कहेंगे, और इसको तफसील से छेड़ो। यार, लोग हमें थोड़ी देते हैं खाने को। लोग हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो अपनी गाड़ी थोड़ी देंगे, और लोग हमारे मुश्किल में इस तरह थोड़ी आएंगे कि चूंकि तुमने फलां फलां काम नहीं किया, घर बैठे रहे, तो ये लो मेरी तरफ से। तुम अच्छा काम करो, कुछ करके दिखाओ, और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओ कि लोग ये कहने पर मजबूर हों कि वाह वाह भाई, शाबाश शाबाश है, तुमने तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया बच्चा, और कहाँ तक चले गए। देखो, तुम डिक्टेट करो लोगों को, तुम फैसला करो कि लोगों को क्या कहना चाहिए, और लोगों के कहने वहने की परवाह कौन करता है यार? कमज़ोर लोग करते हैं। बहादुर लोग और मजबूत लोग तो कहते हैं कि भाई जो हमें अच्छा लगेगा, जो अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया, नेक काम है, उन लोगों की क्या परवाह। ज़्यादातर लोग तो ख़राब लोगों को वोट देके चोरों को और जागीरदारों को असेंबली में पहुँचाते हैं। ज़्यादातर लोग तो दो नंबर ही करते हैं और आगे बढ़ने के चक्कर में रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग अगर तुम्हें रोकते हैं इन चीज़ों से, तो ज़्यादातर लोगों की परवाह नहीं करो, कम लोगों की बात सुनो। कम लोग हमेशा कहेंगे कि नहीं, जो तुम्हारे पास है, जो बजट है, उसमें कुछ ट्राई करो। थोड़े से लोग होंगे जो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने भी ऐसे ही रास्ता बनाया। थोड़े से लोग होंगे जो कहेंगे कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी सरेंडर नहीं करना, और बस जितना बजट है, जितनी ताकत है, कुछ ना कुछ शुरू कर।